सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त स्मृति। और दोस्तों, आज के वीडियो से पहले भी मैंने कई क्लीनिंग वीडियो दिवाली के लिए आपको दिए हैं, तो उनको आपने बहुत लाइक किया और उनके नीचे ढेरों कमेंट्स आए। तो उन कमेंट्स में काफी आप लोगों ने पूछा है कि बाथरूम के गंदे टाइल्स या पीली पड़ गई मार्बल या फ्लोर गंदा हो जाता है, टाइल्स के जो जॉइंट्स होते हैं ग्राउट एरिया उसमें गंदगी जम जाती है, किचन के टाइल, ये फर्श वगैरह, ये सब चीजें कैसे क्लीन करें। तो आज का वीडियो खास उसी के लिए है। मैं एक ही प्रोडक्ट आपको बनाकर दिखाऊंगी और एक ही प्रोडक्ट से आप पीली मार्बल हो, गंदे दाग पड़ गए हो मार्बल पे, फर्श पीला पड़ गया है आपका, फर्श के टाइल है, किचन के टाइल है, बाथरूम के टाइल है, टाइल्स के बीच की ज्वाइंट है, या कहीं भी इस तरह के दाग धब्बे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो आप हर जगह इस सोल्यूशन को यूज कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है, रगड़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ सोल्यूशन है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखेंगे और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम लेने वाले हैं 1 चम्मच बेकिंग सोडा, ये खाने वाला सोडा है। मैं यहाँ 1 चम्मच लेके दिखा रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें। दूसरा, हमें ज़रूरत होगी एक प्लास्टिक ब्रश की, पुराने ब्रश की, या कोई स्क्रबर आप ले लीजिए जिससे आप रगड़ पाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये जो मिक्सर मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ गंदगी हटाने के लिए नहीं है, मार्बल वगैरह पीली पड़ जाती है उस पर भी आप पूरे फर्श पे इसको अप्लाई कर सकते हैं तो उसका पीलापन भी चला जाएगा। तो ये चीज़ है हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन। हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाता है और 20-25 रुपए की एक बॉटल आ जाती है, जो कि बहुत सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, हर मेडिकल स्टोर में आसानी से मिलेगा और बहुत ही कम लगता है। तो हम सिर्फ इतना सा डालेंगे कि एक सॉल्यूशन बन जाए, हमको लिक्विड नहीं करना है इसको। और हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको ब्लीच के जैसे एकदम काम करके देगा, अगर आपका फर्श गंदा पीला पड़ गया है तो उसको बिल्कुल ये साफ कर देगा। तो यहाँ हमने एक सेमी लिक्विड सा सॉल्यूशन तैयार कर लिया है, चलिए शुरू करते हैं क्लीनिंग। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही गंदा कोना दिखा रही हूँ और अब मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन परऑक्साइड को ले लिया है और इसको मैं लगा दे रही हूँ ब्रश की हेल्प से। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा है, जैसे दो टाइल्स जहाँ जुड़ते हैं ये वो हिस्सा है जिसको गाउट बोलते हैं। और फर्श पे भी मैं लगा रही हूँ जो जॉइंट गंदा है, देखिए मैं थोड़े हिस्से में लगा रही हूँ ताकि मैं आपको बाद में दिखा सकूँ कि ये साफ होने के बाद कैसे दिखता है। और हम सिर्फ लगा के छोड़ रहे हैं, हमें रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साइड का थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया है ताकि मैं आपको बाद में ये दिखा पाऊँ कि साफ होने के बाद ये कैसे दिखता है। तो बस दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना जो लिक्विड था हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा का, वो हमने लगा के छोड़ दिया है। ब्रश या स्क्रबर किसी की भी हेल्प से आप लगा दें। और अगर आप चाहते हैं कि साथ ही साथ पूरे फर्श की या पूरे टाइल्स की धुलाई सफाई साथ में हो जाए, तो इसी में थोड़ा सा आप डिश वॉश जिससे बर्तन धोते हैं वो जेल या शैम्पू या साबुन कुछ मिला लें। तो चलिए, अब हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा गंदे टाइल नहीं है तो 10 मिनट बाद भी साफ़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने 10 मिनट के लिए छोड़ा है जबकि टाइल बहुत गंदा था। आप चाहें तो अगर और ज़्यादा गंदे हैं बाथरूम के टाइल्स या उनके बीच के निशान, तो 20 मिनट तक भी छोड़ सकते हैं, या मार्बल ज़्यादा ही पीली पड़ गई है तो भी आप ज़्यादा समय के लिए छोड़ सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसको एक कपड़े से पोंछ लेंगे और ध्यान से देखिए कि हम ना तो किसी ब्रश से रगड़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ हमने लगा के छोड़ दिया था। तो यहाँ ले लिया है मैंने एक पुराना कपड़ा और मैं इस तरह पोंछ लूँगी इसको सारा। ओके, तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि ये जगह कितनी ज़्यादा काली थी और ये वाला जो जॉइंट है ये भी बहुत काला था। और आप वहाँ पर देखिए अभी भी कितना काला है जॉइंट, यहाँ नहीं लगाया इसको देखिए, यहाँ लगा था इसको देखिए, और यहाँ पर बहुत ही मोटी काली लेयर थी जो बिल्कुल नहीं बची है। और ये सब हुआ है बिल्कुल बिना रगड़े, मिनटों में, सिर्फ 10 मिनट में। मैं आपको अपना कैमरा मूव करके दिखाऊं, ये हिस्सा देखिए कितना गंदा है, जहां लगाया था वो हिस्सा 10 मिनट बाद देखिए, और इसके आगे का हिस्सा भी देखिए फिर से कितना गंदा है। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इससे कितना इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि मैडम कुछ होगा कि नहीं होगा, आपने पहले से ही साफ दिखाया था। तो आज मैंने बहुत कोशिश की है बहुत गंदा सा कोना ढूंढने की ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो दोस्तों, किचन के चिकने टाइल कैसे क्लीन करने हैं, चिकनी चिमनी कैसे करनी है, चिकने एग्जॉस्ट या ग्रिल,
तो जो मैंने चिकने टाइल का वीडियो बताया है वही वाला आपको एग्जॉस्ट के लिए, चिकनी ग्रिल के लिए, चिकने कांच के लिए, हर चिकनी चीज़ के लिए यूज़ करना है। और किचन की चिकनी चिमनी कैसे यूज़ करनी है वो वीडियो भी अवेलेबल है। आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स प्लेलिस्ट में जाएं, आपको फ़ैन कैसे क्लीन करने हैं, स्विच बोर्ड कैसे क्लीन करने हैं, सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपकी दिवाली की सफाई हो जाएगी चुटकियों में। तो ये जो मेथड बताया है इसको ज़रूर यूज़ करिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि बिना मेहनत चुटकियों में चमकाने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो नीचे वाला लाइक बटन ज़रूर हिट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।